हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिससे अंतर्गत टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं टॉपिक वाइज, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में। एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर हल कराए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सभी प्रश्नों को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण जागरण, ठीक है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण जारण से एडीपी से कुल कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है या बनते हैं। तो दोस्तों, एक ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण जारण से 38 एटीपी बनते हैं। दो, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, और 36 क्रेब्स चक्र में जो माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में पेशियों में पाइरूविक अम्ल से बनता है, तो क्या बनता है पेशियों में दोस्तों? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। जब आप पेशियां फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी संकुचन और प्रसारण करती हैं, तो बार बार ऐसा करने से उसमें थकावट आ जाती है। किसके कारण होती है थकावट? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रचना जो फुफ्फुस के विभाजित प्रतिक्रिया का अंतिम भाग है और जो गैसीय विनिमय का स्थान है? तो दोस्तों, जैसे फुफ्फुस में आपका जो श्वास नली या ट्रेकिया होती है, वह दाएं फेफड़े में 3 भाग, बाएं फेफड़े में 2 भाग, फिर आगे चल के इसको ब्रांची कहते हैं, फिर यह कई शाखाओं में, छोटे छोटे शाखाओं में बढ़ जाती हैं, इनको ब्रांचियोलिस कहते हैं। यही ब्रांचियोलिस अंत में जाकर के गुच्छेनुमा आकृति बनाती है, जो जिसे हम वायु कोष्ठिकाएं या एलोलाई कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु कोष्ठिकाएं यानी कि एलोलाई, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुपिकाओं यानी कि एल्वेलाइज में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो परासरण, साधारण प्रसरण के द्वारा, ठीक है, साधारण प्रसरण के द्वारा यानी सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है? तो मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है दोस्तों? हमारे पेशियों में मायोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में वायु बाहर से फेफड़ों में पहुंचती है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप? दोस्तों, जब बाहर से फेफड़े में वायु पहुंचती है, सबसे पहले वो हमारे नाक से लेते हैं हम वायु को, फिर नासा गुहा में जाता है, फिर फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी में जाता है, उसके बाद लैरिंग्स यानी कंठ के पास जाता है, उसके बाद वहां से वायु नाल यानी कि ट्रैकिया के पास जाता है, फिर ट्रैकिया के रास्ते ब्रोंकी यानी फेफड़े में जाकर के, या दाएं तरफ 3 भाग, बाएं तरफ 2 भाग यानी ब्रोंकी में बदल जाता है। यही ब्रोंकी बहुत सारी सूक्ष्म वाहिनियों में बदल जाती है, जिसे ब्रोंकियोल कहते हैं, उसमें पहुंचता है। उसके बाद वो गुच्छेनुमा आकृति जो एल्वोलाई होती है उसमें पहुंचती है, वहीं पे जाकर के गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, O2 RBC में चला जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में आकर के फेफड़े द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा रोग श्वसन तंत्र से संबंधित है किंतु संक्रमित नहीं होता? तो कौन सा है? हेज्वर। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है, तो ऑक्सीजन विघटन यानी कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ये होता है आपका सिग्मोइड। नेक्स्ट है, फुफ्फुस एंड लंग्स किसमें बंद रहते हैं? तो दोस्तों, यह घिरा होता है आपका प्लूरल कला यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन से, जिसे प्लूरा नामक द्रव बहता है। नेक्स्ट है, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है निःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन यानी कि श्वास को अंदर लेना,
और निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन, श्वास को बाहर छोड़ना। तो दोस्तों जब हम श्वास को अंदर लेते हैं यानी इन इंस्पायरेशन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है वह फैलता है, फैलेगा तभी तो, जैसे गुब्बारे में हम हवा भरते हैं इधर से फूंकते हैं तो वह गुब्बारा क्या होता है, फैलता है। उसी तरह हम जब सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम फैलता है, और जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन करते हैं तो डायफ्राम क्या करता है, सिकुड़ता है यानी संकुचित होता है। जैसे हम गुब्बारे में हवा भरने के बाद अगर गुब्बारे को हम ज्यादा संकुचित करेंगे तो वो हवा बाहर निकलने लगता है, उसी प्रकार। नेक्स्ट है श्वसन भाग फल RQ होता है, ठीक है, रेस्पिरेटर रेस्पिरेशन क्वेटेंट यानी कि श्वसन लब्धि इसको बोला जाता है। ये क्या होता है दोस्तों RQ, यह श्वसन में मुक्त यानी कि उत्सर्जित CO2 और उपयोग में लाई गई O2 का अनुपात होता है। नेक्स्ट दोस्तों संवातन यानी वेंटिलेशन का नियंत्रण होता है, तो वेंटिलेशन का नियंत्रण होता है मेडुला अब्लांगेटा से। मेडुला अब्लांगेटा वो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो हमारे इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती हैं। नेक्स्ट दोस्तों सामान्य श्वसन में निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन अथवा निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन के समय वायु का आयतन कहलाता है। तो दोस्तों सामान्य श्वसन में हम जब वायु को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, यह क्रिया कहलाती है टाइडल वॉल्यूम यानी प्रवाही आयतन, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका होता है 500 ml साधारण की अवस्था में, अब ऐसे अभ्यास करते समय 3000 ml तक हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त के समय होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त के समय CO2 की उपलब्धता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज अधिक मात्रा में किसमें मिलता है, तो यह लाल रुधिराणु में अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य की सजीव क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है दोस्तों, तो 4600 ml यानी 4.6 L, ठीक है, 4600 ml होता है, ये ध्यान में रखिए। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। ये होता क्या है दोस्तों, पूरे बल के साथ एक बार आप पूर्ण रूप से इंस्पायरेशन यानी कि श्वास को अंदर खींचते हैं और पूरे बल के साथ बाहर भेजते हैं, यही होता है वाटर कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि वायु की वह कुल मात्रा जो कि फेफड़ों में समा सके। टोटल लंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों की कुल क्षमता का सूत्र होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो हमारे पूरे श्वसन के बाद फेफड़ों में बच जाती है वायु, उसे हम कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम या रेसिड्यूअल एयर। नेक्स्ट है दोस्तों मनुष्य शरीर में CO2 का मुख्य भाग किस रूप में वहन होता है, तो मनुष्य शरीर में CO2 का जो परिवहन होता है सबसे ज्यादा मुख्य रूप से होता है आपका बाइकार्बोनेट के रूप में। ये बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा सोडियम व पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसके साथ मिलकर स्थित यौगिक बनाता है, तो CO के साथ मिलकर यह स्थित यौगिक बनाता है। नेक्स्ट है O2 के कितने अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं, तो ऑक्सीजन के 4 अणु हीमोग्लोबिन से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कशेरुकी के रुधिर में उत्तकों तक O2 का वाहक होता है, तो दोस्तों कशेरुकी के रुधिर में उत्तकों तक यानी कोशिकाओं तक उत्तकों तक अंगों तक ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट है फेफड़ों की कुपिकाओं यानी कि जो लंग्स में एल्वोलाई होती है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है दोस्तों, यह सामान्य प्रसरण दाब यानी कि सिंपल डिफ्यूजन होता है के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों ग्लाइकोलिसिस के बाद अवायवीय श्वसन को कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद अवायवीय श्वसन को किण्वन यानी फॉर्मेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर पहुंचकर मनुष्य के लाल रुधिराणु हो जाएंगे, तो दोस्तों ऊंचाई पर पहुंचने पर जो होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे वहां सांस फूलने लगता है, और बार बार आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे या ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो क्या होता है, आपका जो
हार्ट बीट होता है वह बढ़ेगा, मतलब आप एक प्रकार का ऊंचाई पर चढ़ना आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिससे आरबीसी की संख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार का, तो एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, श्वसन रंजक होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क पूर्तिया रुधिर पर किसकी आपूर्ति के लिए निर्भर होता है? दोस्तों यह पूर्तिया O2 और ग्लूकोज के आपूर्ति के लिए निर्भर होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की वहन के योग्य होता है? तो कौन होता है? रुधिर, यानी कि लाल रुधिर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। श्वसन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन थे इस पार्ट में, 3-4 वीडियो के में आपका खत्म हो गया। ये लास्ट है आपका श्वसन तंत्र का। नेक्स्ट वीडियो में आपका पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो पाचन तंत्र बहुत ही लंबा पार्ट है और इससे हमेशा क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो भी डाउट है कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।